दिन वही, महीना वही, बस फर्क है तो साल का, लेकिन वो दर्द आज भी उन माओं के अंदर जिंदा है जिनकी कोख उजड़ी थी। जी हाँ, हम बात करें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के बीआरडी कॉलेज की, जहां अगस्त के मनहूस महीने में ना जाने कितने बच्चों ने खराब स्वास्थ्य सेवाओं के चलते गोरखपुर किस अस्पताल में आखिरी सांसें ली। तो वहीं एक बार फिर ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पिछले साल ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत का मामला फिर उठा है, क्योंकि बीती 25 अगस्त को एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उन तमाम नवजात बच्चों की मौत के पीछे किसका हाथ है, अस्पताल प्रशासन का या फिर राज्य की राजनीति का। तो वहीं अब सीएम योगी ने इस बयान के बाद अब कॉलेज में तैनात है डॉक्टर कफील खान ने उन्हें झूठा बताया है। डॉक्टर कफील ने आरोप लगाया है कि सीएम इस मामले में राजनीति कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि राजनीति करने से पहले उन माओं से जाकर पूछो जिन्होंने अपने हाथों से अपने दूध मुए बच्चों को दफनाया था। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।